बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में संकेत साहित्य समिति की ओर से एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में बालको नगर और बाहर से आए कवियों ने अपनी रचनाएं पढ़ी। प्रतिवर्ष की भांति गणतंत्र दिवस एवं बसंत पंचमी के पावन पर्व पर संकेत साहित्य समिति की ओर से काव्य गोष्ठी का आयोजन सचिव श्री रमेश चंद्र गुप्त चांद के आवास में किया गया। काव्य गोष्ठी में श्री माणिक विश्वकर्मा नौरंग, श्री संतोष झा, श्री मणिकांत भट्ट, श्री पुरस्कर भारती, श्री हरिराम चौरासिया, श्री सुरेश पटेल, श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, डॉक्टर श्रीमती चंद्रावती नागेश्वर ने अपनी कविताएं पढ़ी। काव्य पाठ के पूर्व माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गयी। बदले ना बदले क्या वरदान बदल दे शारदा, हमको जो भी कोख मिली वो कांटों से ही भरी मिली, ममता जो भी मिली हमें वो स्वयं दूध से डरी मिली, फूलों में अब गंध नहीं चिड़िया भी गूंगी बांधी है, फूलों में अब गंध नहीं चिड़िया भी गूंगी बांधी है, फूलों में अब गंध नहीं चिड़िया भी गूंगी बांधी है, दुविधाओं से डरा डरा ये दुविधाओं से डरा डरा उद्यान बदल दे शारदा, पूजा बदले ना बदले वरदान बदले। उसी पवित्रता और महानता के साथ हम कुछ ऐसे स्वर सुने जो सचमुच में ही अद्वितीय कम से कम एक क्षेत्र में हैं, और भारत भारती का अगर स्वयं भारती जी खड़े होकर उसी वाणी और उसी मुखरित स्वर से अगर वंदना करें तो दिल और भी इसका ओज अलग है, और यही ओज स्थापित करने के लिए आज मैं चाह रहा था कि आज ये यहाँ से इस मंच से उनका वो कविता पाठ हो जिसके लिए हम लोग बहुत दिन से सुनने के लिए लालायित है कह सकते हैं। देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्माशना, या ब्रह्मादित शंकरः प्रवितवी देवैः सदा वंदिता, श्यामां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाड्यांबः, शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमं माध्यं जगद्वापिनी, वीणा पुस्तक धारिणीं मलयतां जाड्यन्धकारापः, हस्ते स्फटिकमालिकं निजगतिं पद्मासने संस्कृतं, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदान शारदां, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। हमारे मैं आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रपति जी का जो संदेश है उसके सार तत्व तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये उनका संदेश रहा है, तो मैं उसी पर अपनी एक प्रस्तुत करता हूँ। आप सब लोगों का ध्यान आशीर्वाद लेते हुए आइए, स्वागत विराजे सभी का ध्यान चाहते चाहते कहीं नहीं उधर ठीक है नहीं बस आजू बाजू बैठे अच्छा एक उधर एक उधर आप उधर जाइए आप उधर जाइए चल चलो आप उधर जाइए कौन तो ये पिरानी थी ये पकड़ो कैसा रहा दौरा वाला ठीक है ये सुखद संयोग है कि आज हमारे राष्ट्र का गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी का पर्व एक ही साथ एक ही शुभ दिन पर ये हुआ है, और हम भाग्यशाली हैं जो ऐसे समय में यहाँ एकत्रित हुए हैं, और यह भी एक संयोग है कि भारत और भ्रष्टाचार एक ही शब्द से प्रारंभ होते हैं। इस पर ध्यान देते हुए भारत भर से भ्रष्टाचार हुआ है भारत का पर्याय, भर से भ्रष्टाचार हुआ है भारत का पर्याय, रसे रिश्वत लेते देते बड़े बड़े अभाय, तसे तनखैया हो जीते नैतिकता से दूर, और भ्रष्टाचार से त्रस्त लोग हैं जीने को मजबूर। क्या बात है, भ्रष्टाचार से त्रस्त लोग हैं जीने को मजबूर, कि भ्रष्टाचार के बम पर बैठे क्या इतराते हो, भ्रष्टाचार के बम पर बैठे क्या इतराते हो,
और कोई नहीं जानता, सोच के खुश हो जाते हो, मित्र विभूत दुश्मन बन जाते हैं। कैसा सकता भ्रष्टाचारी कि जूते भी अब सांस ले रहे, विज्ञापन जूते भी अब सांस ले रहे और दीवारों के कान, फिर भी भ्रष्टाचार छुपेगा मत समझो श्रीमान। नाक मेरी काट ली गई है और आंखें फोड़ दी गई हैं, क्योंकि मैं उस खेत तक चला गया था जिसे पिछले वर्ष मैंने रेहन रख दिया था। क्या बात, किन कारणों से ऐसा हुआ मुझे तो नहीं पता, किंतु गांव के लोगों का कहना है कि मैं चुरा लाया था इन आंखों में उस खेत की हरियाली और नाक में उस मिट्टी की सौंधी गंध। बस यही मेरा अपराध है। जंजीरों से जकड़ी देखी, जंजीरों से जकड़ी देखी भारत माँ की तस्वीरें थी। हर किसान की कर्ज भरी भूखी नंगी तकदीरें थी। भूखी नंगी तकदीरें थी, नहीं उठाकर सिर चलते थे कोड़े का डर रहता था। नहीं उठाकर सिर चलते थे कोड़े का डर रहता था। शांति के पुजारी बापू जवाहर लाल बहादुर शास्त्री इंदिरा लक्ष्मी बाई के सपनों को साकार कर आदर्श समाज का निर्माण करो। वाह। दहेज रूपी दानव का तिरस्कार कर आतंकवादियों के दिलों को साफ कर नए रचनात्मक शहर का निर्माण कर। तेरे लहू की तरह मेरे लहू का रंग है, तेरे लहू की तरह यूं ना हम मिल के चमन में रहे खुशबू की तरह, मेरे लहू का रंग है तेरे लहू की तरह, सारे जीवन का अधूरा है एक दूजे के बगैर, सारे जीवन का अधूरा है एक दूजे के बगैर। बसंत पंचमी के ही मौके पर नगर के विभिन्न मंदिरों और स्कूलों में सरस्वती पूजा की गई। राम मंदिर और काली मंदिर में भंडारों का आयोजन किया गया जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया। बसंत पंचमी पर बालको राम मंदिर और काली मंदिर में मां सरस्वती का पूजा अर्चना किया गया। इस कार्यक्रम में नगर के बहुत से लोगों ने भंडारों में शामिल होकर प्रसाद ग्रहण किया और सरस्वती से अपनी एवं अपने परिवारजनों की सुख समृद्धि की कामना की।